हेलो एवरीवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग सी में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आज हम उसके बारे में क्योंकि आपको पता ही है कि फाइनली बीएचयू ने जो अपना फॉर्म रिलीज़ करके जो भी स्टूडेंट्स सी के थ्रू वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने अपना फॉर्म रिलीज़ कर दिया है आप सिंपली बी ऑनलाइन सर्च करिएगा आपको इस तरीके की आइकन दिखेगा काउंसलिंग अब आप, आपको पता ही है ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए काउंसलिंग पोर्टल मैंशन भी है मतलब डायरेक्ट काउंसलिंग पोर्टल पर भी जा सकते हैं वरना एक प्रोसीजर है इसका आप उसके थ्रू भी जैसे आप यहाँ पर आएँ इसके बाद देखिए यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ काउंसलिंग यहाँ पे इन्होंने कुछ बेसिक गाइडलाइन दिया है और इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं तो आपको अगर अप्लाई आप करना है काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का एक आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होगा एक तो यूज़र आईडी के रूप में आपका एप्लीकेशन नंबर दूसरा आपका सी यू टी का रोल नंबर और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली साइन इन बटन पे या फिर आप ये साइन इन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा देखिए एक बात और इस फॉर्म को फिल करने के लिए वही स्टूडेंट्स फिल कर पाएंगे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सी यू टी सी यू टी में आप बी एच यू चूज़ किए होंगे जो बच्चे चूज़ नहीं किए हैं मतलब सी यू टी में कोर्स में नहीं चूज़ किए उनको वो उनके पास मतलब वो नहीं कर पाएंगे कुल मिलाकर ये क्योंकि मैंने ट्राई किया था बट हो नहीं पा रहा क्योंकि इसमें मैंने नहीं देखा कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए वही फिल कर सकते हैं जो मतलब सी में जो स्टूडेंट्स फॉर्म इनको सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी लिस्ट में वही वरना बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे बाकी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे थैंक यू